नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी मिश्र। हम आपको एक ऐसे शख्सियत से भेंट कराएंगे जो विभाजन के दौरान न केवल पीड़ित रहे बल्कि आज वो सारा घटनाक्रम उनके आंखों के सामने तैर जाता है जब विभाजन की बात आती है। 97 साल की अवस्था है, आंखों से दिखना कम हो चुका है लेकिन जहन में यादें वैसी ताज़ा हैं जैसे आज का ही घटनाक्रम हो। हम आपको रामलाल जी से भेंट कराएंगे। कोटली के रहने वाले रामलाल जी हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि वो सारा घटनाक्रम, वो क्या स्थिति थी, क्या मंजर था, कैसे वहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ, क्या मुसलमानों ने किया, हम उन्हीं से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए बाबू जी आपका। अच्छा जी, धन्यवाद। जब विभाजन की हम बात करते हैं तो मन में क्या आता है सबसे पहले? मतलब समझा नहीं मैं। जब विभाजन की याद करते हो आप, हाँ। तो कैसा लगता है? अरे विभाजन की बता तो रहा हूँ कि वहाँ जब हम अखबार पढ़ा करते थे ना, प्रताप उर्दू का, उसमें लिखा होता था कि सब तरफ पुलिस कर्मचारी जितने भी थानों में चौकियों में मुसलमान हैं, हिंदू कोई नहीं, हिंदुओं को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस में भर्ती हूँ, उनमें अगर एक भी हिंदू कर्मचारी होगा तो देहात वाले चैन की नींद सोया करेंगे। तो हम भी उस वक्त जवानी चढ़ रही थी हमारी, हमारी उम्र 19-20 साल की थी, तो हमें भी हमारे खून को भी जोश आया कि हमें पुलिस में भर्ती होना चाहिए। तो हम वहाँ पुलिस में भर्ती हो गए। दिसंबर 1946 में पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है। तो 3 महीने तो मुल्तान में ट्रेनिंग की, 5 महीने फिर लाहौर भेज दिया, RTC लाहौर में। तो लाहौर में 5 महीने वहाँ ट्रेनिंग की। वहाँ एक दिन रात को मुसलमान और हिंदुओं में नाचाकी हो गई, ट्रेनरों में, कि एक दूसरे को मारने की बात हो गई कि रात को इनको मार दो। तो दूसरे दिन हम बाल ऑफिसर के कमरे पे पहुँच गए सारे हिंदू। वहाँ कोई करीब 1200 के करीब नफरी थी, जिसमें 10-1100 तो 1000 के करीब तो हिंदू थे, मुसलमान 200 के करीब थे वहाँ रिक्रूट। जब वो ट्रेनिंग ले रहे थे तो रिक्रूट कहलाते थे। तो हमने कहा भाई बात सुनो, या तो हमें अमृतसर भेज दो ट्रेनिंग के लिए, या हम परेड करके आते हैं, हम राइफल अपने पास रखेंगे, या 15 दिन की छुट्टी दो। उसने कहा भाई मेरे इख्तियार में ये नहीं है। उसने SP को मंगवाया, SP मुसलमान था, उसके आगे भी यही शर्त थी। उसने कहा मेरे भी इख्तियार से बाहर है। उसने IG को मंगवाया, IG जो सबसे बड़ा अफिसर होता है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का, वो आए, उनके सामने भी हमारी यही मांग थी। आखिर उसने यही फैसला किया, देख भाई ना हम आपको अमृतसर भेज सकते हैं, ना आपको राइफल रखने की इजाज़त दे सकते हैं, हाँ इनको 15-15 दिन की छुट्टी दे दो। हम 15 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पाकिस्तान आ गए, अपने घर कोटली पहुँच गए। अपने घर जब कोटली पहुँचे तो रात को क्या देखते थे, मुसलमानों के जत्थे लठ लेके जा रहे हैं, हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं बलवा करेंगे। तो एक बारी तो हमारे साथ 3 किलोमीटर से त्रगणे एक कस्बा था, वहाँ बलवा हुआ। वहाँ एक बहुत बड़ा चौधरी था हरदयाल, उसको मार दिया। तो मेरा मसाथ राधा वो भी मारा गया उस दिन, और कई मारे गए। तो चौधरी हरदयाल के भाई श्याम सुंदर, वो उसके पास अपनी लाइसेंसी बंदूक थी, उसको किसी ने कहा कि आपके भाई को इस मुसलमान ने मारा है जो फलाने कपड़े वाले की दुकान पे बैठा है। वो बंदूक लेके आया, आके उसको कहता खड़ा हो हरामदादे। वो खड़ा हो गया, कहता तूने मेरे भाई को मारा और तू बेचारा जिंदा रहेगा। उनने उसको बंदूक मारी, अपना मार दिया जान से। वो घर गया बाल बच्चों को लेकर मुल्तान, मुल्तान से हवाई जहाज में बैठ के हिंदुस्तान आ गया। जब लोग हिंदुस्तान आ रहे थे, सुनो मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ बलवा हुआ, एक कस्बा था रामपुर, सुनो सुन रहे हो ना, हेलो सुन रहे हैं? अच्छा, एक कस्बा था रामपुर, उसके साथ था मुबारकपुर। मुबारकपुर में मेरे नानके थे, मेरी नानी मुबारकपुर रहती थी, नाना और मामा मर चुके थे और एक मामा था। तो मेरी नानी भी रामपुर आ गई उन चौधरियों के घर में, जो आधे किलोमीटर के फासले पे था। वहाँ हो गया रात को बलवा,
सारे मार दिए जान से, और वहाँ लकड़ियाँ जलती थी, लकड़ियों का अंबार लगा हुआ था, आग लगा दी, मारते आए और डालते आए, मारते आए और डालते आए। मेरी नानी देख रही है, मेरी नानी को उसके मुजाहरे ने, मुजाहरा मतलब है जो हमारी ज़मीन काज करता है उसको मुजाहरा कहते हैं। तो मेरे नानके की ज़मीन थी, उसमें जो काज करता था मुजाहरा मुसलमान, वो मेरे मामे के साथ घर आया करता था मामा रोटी खाने, तो वो साथ होता था, वो भी रोटी खा लेता था, नानी खिला देती। उस मुजाहरे ने मेरी नानी को देखा, उसने बाजू से पकड़ लिया कि अम्मा तू यहाँ कहाँ फंस गई, वो लेके अपने घर ले गया, मेरी नानी बच गई। उसने दूसरे दिन उसको चिट्ठी लिख के मेरे पास भेज, मेरे पिताजी के पास भेजा। उसको पता था कि मेरा देवता ये पुलिस भी है, कि उसको भेजो मेरे को ले जाए। तो उन दिनों हमारे यहाँ सिक्योरिटी के लिए 4 मुसलमान पुलिस कर्मचारी सरकार ने भेजे हुए थे हमारी देहात की हिफाजत के लिए। तो हम अपने शहर से 6 आदमी गए थे पुलिस में भर्ती होने, 2 मेयरमेंट में फेल हो गए, 2 डॉक्टरी में फेल हो गए, हम 2 पास हुए, एक मैं एक दूसरा। दूसरे को मैंने कहा हरी, हरी था उसका नाम, हरी तू यूनिफार्म डाल के लिया, यूनिफार्म डाल के ले आया, एक मैं, 2 और 2 मुसलमान वहाँ से लिए, अपने घोड़े तो थे, घोड़ों पे बैठ के गए नानी को लेने। अच्छा, नानी को लेने गए, मैं सीधा पहले रामपुर उनके घर ले गया था, रामपुर वालों से हमारी करीबी रिश्तेदारी थी, मैं वहाँ जाता था क्योंकि मेरी दादी के ही औलाद थी, वो दादी की बहन की। अच्छा, वहाँ जब देखा एक सरदार कहाँ था मेरा, वहाँ पक्का दोस्त बन गया था वो पुलिस में जो हमारी सिक्योरिटी के लिए आया हुआ था, वो भी साथ था। छोटी छोटी 3 खोपड़ियाँ उसको दिखी ऐसे पड़ी हुई, उसके मुंह से निकला बेड़ा गर्क हो पाकिस्तान का। मैंने तो कहा हुए मुसलमान होके पाकिस्तान को गाली निकाल रहा है, कहता यार इन बता बच्चों ने क्या किया था, देख के दर्द तो आता था। देखा बहुत बड़ी बुरी हालत थी, मेरी नानी ने बहुत कुछ देख रखा था कि कैसे मार रहे थे कैसे डाल रहे थे। हम गए, नानी बैठी थी सामने उस मुसलमान के घर चारपाई पे, वहाँ बाहर रोड पे उस घर के बाहर घोड़े रोक के मैंने नानी को कहा, मैंने कहा नानी 10 मिनट रुक, सामने ही कट हो रहा है, हम उसको देख के आए कि वो क्या कर रहे हैं। 200-250 आदमी जमा थे, हम गए वहाँ, उन्होंने वहाँ ऐसा था माहौल कि एक पुलिस का कंस्टेबल भी चला जाए ना देहात में तो लोग डरते थे, अंग्रेज़ों का राज था जब है। तो हम गए, उन्हें चार कहीं बिछा दिए, बैठ गए, शिकंजी बनाया पिलाई, क्या हो रहा है भाई, वो आज जी मीटिंग हो रही है कि चारों तरफ आज के बाद रामपुर का नाम अगर कोई रामपुर के नाम से पुकारेगा उस पर 5 रुपये जुर्माना, 5 रुपये उस वक्त बहुत होते थे वहाँ के, 5 रुपये उस वक्त के यहाँ आज 50,000 रुपये है, आज 50,000 रुपये हैं उस वक्त के 5 रुपये, क्योंकि लंबी चौड़ी स्टोरी है, मैं अब क्या चलूँ कि वहाँ क्या हिसाब था। तो उस पर 5 रुपये जुर्माना, आज से उसका नाम इस्लामपुर। वहाँ से उठे, नानी को बिठाया, आ गए घर, घर आ गए, फिर हम, मैंने अपने माता पिता बहन भाई और अपनी घरवाली को सबको हमारे ऊँट से कचावे डाल के उनको भेजा तहसील शुजाबाद कि आप शुजाबाद चले जाओ, शुजाबाद से जूँ ही आपको गाड़ी मिले हिंदुस्तान जाने की तुम चले जाना। हम पुलिस वाले 2 जो थे ना हिंदू आए हुए थे, ये सारा कस्बा जब निकल जाएगा हम बाद में आखिरी ट्रिप मुल्तान ले जाएंगे, मेरे को मुल्तान पुलिस की किट जमा करानी पड़ेगी। हुई हुआ कि हम आखिरी ट्रिप 22 आदमी ट्रक पे बैठ के वो मुल्तान ले आए। अच्छा, मैं मुल्तान जब गया, मैं जा रहा, हमारे शहर में एक बात बीच में आपको बताऊं, 2 आदमी, एक अपने कुएं उसका थोड़ा बाहर था, वो रात को अपने कुएं पे गया, दूसरे दिन पता लगा जी रात उसको मार दिया, साथ में नहर बहती थी उसमें बहा दिया, वो वापस नहीं आया। एक और गया उसको भी, वो भी वापस नहीं आया, उसको भी मार दिया। शहर के बाहर जो अकेला जाता था वो वापस नहीं आता था। तो मैं जा रहा था किट जमा कराने मुल्तान पुलिस लाइन, तो वहाँ पर राजू पैलेस के बाहर, तो असल में मेरे को एक मिला पहले वो काले मंडी में, एक मुसलमान ने मेरे मुंडे पे किट देखी, उसने मेरे को बुला लिया,
कहता है किट जमा कराने जा रहा है। मैंने कहा हाँ। कहता है मेरे को बेल्ट बदल दे, मेरी बेल्ट पुरानी है तेरी नहीं होगी। और उसकी वाकई बिल्कुल खत्ता हालत में थी, नंबर अपना बदल लिया हमने, बेल्ट मैंने बदल दी। वहाँ आधा घंटा मेरा खर्च हुआ। वो आधे घंटे में मेरे को इतना फ़ायदा हुआ कि आधा घंटा मैं पहले जाता, पता नहीं मेरा क्या होता। आधा घंटा लेट में गया तो मेरे को राजू पैलेस के बाहर आता हुआ लांगरी, जो हमें पुलिस लाइन में रोटियां पका के खिलाया करता था ना, वो मिल गया। मेरे को कहता है अरे कहाँ जा रहा है? मैंने कहा पुलिस लाइन। आगे मत जाना। मैं क्यों? कहता है आज 3-4 दिन हो गए मैं घूमते घामते जा निकला, मैं तो इसलिए गया कि पता करूँ कि उनको रोटियों की तकलीफ तो नहीं हो रही, तकलीफ होती हो तो मैं पका दूँगा। मेरे दिल में तो ये बात थी, मेरे को तो एक 3-4 लड़कों ने पकड़ लिया, मार के नाले में डाल दो, कुत्ते खाते रह गए, कुत्तों की खुराक हो जाएगी दो दिन। अच्छा अहमद यार कहाँ आया? परे को इंस्पेक्टर था, कहता है उसने देखा मेरे को पकड़ रखा था इन्हें। कहता वही क्यों पकड़ रखा है इसको, गरीब आदमी को? कहता मैंने उसे कहा यार मैं तो आया था भाई इनको तकलीफ हो तो रोटियाँ पका दूँ, ये तो मेरे को मारने की बात कर। कहता छोड़ दो इसे। मेरे को उसने छुड़वाया और मेरे को कहने लगा फिर कभी मत आना, भाग जा। तो मैं आ गया बच के। सच्ची बात है, मैं डर गया, मैं वापस आ गया, मैंने कट जमा नहीं करवाई है। अच्छा जब मुल्तान से हम हिंदुस्तान आने लगे, रेलगाड़ी पे बैठे, हमें स्टेशन लगता था राजा राम, उस स्टेशन का नाम था राजा राम। देखो वहाँ बात हो रही थी कि आज से रामपुर का नाम इस्लामपुर, और जब राजा राम के आगे से हम गाड़ी पे गुजरे तो राजा राम का नाम काट के राजे शाह लिखा हुआ था। मैंने यहाँ फिर मैं टेलरिंग का काम जानता था, 10 साल मैंने ट्रेनिंग का काम किया, फिर मैंने टैक्सी बनाई। तो मैं यहाँ क्या देखता हूँ, हुमायूं रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, फलानी रोड, बाबर, सारे मुसलमानों के नाम बेचो जाए, यहाँ कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा किसी दिन मोदी है, मैं उसको बताऊँ। वहाँ देखो यहाँ मैंने एक बारी खबर पढ़ी थी कि ये वंदे मातरम मुसलमान भाई स्कूलों में नहीं बोलेंगे मुसलमान जो स्टूडेंट है। मैंने कहा मेरे को उसके सामने खड़ा करें, हम जब पाकिस्तान में स्कूल में पढ़ते थे हमने उनके कलमा पढ़े थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल इल्लाह, जब कोई काम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहते हैं, और एक भी था कलमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमना वअतना, हम कलमा रट गए और मुसलमान लड़के हमारे मंत्र भी पढ़ते थे, ये नहीं क्योंकि अंग्रेज़ों का राज था, वो हमारे मंत्र याद करते थे, हम उनके कलमा पढ़ते थे। और यहाँ ये मुसलमान कहते हैं जी मुसलमान स्टूडेंट वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ मेरे को कुछ सुनवाई नहीं थी, अब मैं क्या करूँ। बस फिर यहाँ आके टैक्सी चलाता रहा और नाम आप तक बैठे मुसलमानों के नाम का चलता रहेगा। कोटली में अपना घर कहाँ पे था, गांव का नाम क्या था? हाँ गांव का नाम क्या था कोटली में? कोटली निजावत। दो कोटलियाँ थी, एक कोटली आदल थी, एक कोटली निजावत। हम कोटली निजावत में रहते थे। हाँ अच्छा तीज त्यौहार कैसे मनते थे वहाँ पे? तीज त्यौहार वहाँ रामलीला होती थी, और वैसे 12 महीने में 10 महीने तो लगातार रात को सारे शहर वाले एक जगह, हमारी दुकान के आगे खुली जगह थी, रामलीला भी वहीं होती थी, वहाँ बाहर के आया करते थे, कभी गौशाला वाले, कभी वो लड़के पढ़ते हैं गुरुकुल वाले, कभी कहीं के ब्लाइंड स्कूल वाले, मतलब वो कथा कीर्तन करते थे, चंदा शंदा वसूल करके ले जाया करते थे, कथा होती थी भगवान की है, बड़े बड़े स्टोरी सुनाया करते थे भगवान, ये राम कैसे पैदा हुआ, कृष्ण कैसे पैदा हुआ, ये बहुत सारा वहाँ तो सब चलता था, यहाँ कुछ भी नहीं होता। घर में कौन कौन लोग थे, भाई बहन कितने थे, पिताजी क्या काम करते थे? पिताजी मेरे डॉक्टर थे, मेरे पिताजी जद्दी दादा परदादा हिकमत चली आ रही थी, मेरे पिताजी भी हकीम हाजक पास थे, लेकिन 80% एलोपैथिक काम करते, दवाइयाँ इस्तेमाल करते थे, और एलो वो क्या कहते हैं आयुर्वेदिक जो है देसी दवाइयाँ 20% इस्तेमाल होती थी, क्योंकि मैंने भी 1906 लाला पिताजी के साथ काम किया था। आपके भाई बहन कितने हैं? मेरे भाई ने 4 थी, भाई हम 3 थे। आप किस नंबर के थे? मैं दूसरे नंबर का, पहले बड़ी बहन फिर दूसरे नंबर का मैं। हाँ 3 बहनों की शादी वहाँ हो गई थी, एक की यहाँ आके कोठी में की।
जब देश आजाद हुआ था उस समय आप कितने साल के थे? मैं 21 साल का था। किस कक्षा में पढ़ते थे? मैं 41 तक पढ़ा। 41 में 10वीं का टेस्ट देना था, मैंने टेस्ट नहीं दिया, बीमार हो गया। बस फिर मेरे पिताजी ने मेरे को पढ़ाया नहीं, कहने लगे हमने को नौकरी थोड़ी करवानी है। और यहाँ मैंने आके पुलिस और जैन भी इसलिए नहीं की कि मेरी तालीम है थोड़ी, मैं तरक्की क्या करूँगा, मैं तो कंस्टेबल ही रह जाऊँगा सारी उम्र है। तो मैंने पुलिस और जैन इसलिए नहीं की। मेरे साथ के बहुत सारे वहाँ जो हम ट्रेनिंग करते थे हैं, वो कोई गुड़गांव में, कोई करनाल, कोई दिल्ली में, मेरे को बहुत मिलते हैं लगे हुए थे। मैं भी लग सकता था, एसपी के पेश हो जाता कि हम पाकिस्तान में थे, 8 महीने ट्रेनिंग की, 1 महीना ट्रेनिंग रहता था, पाकिस्तान बन गया, सबको अपना ले लिया उन्होंने। बल्कि उसके बाद पुलिस में और भर्ती भी करते रहे और भर्ती होती रही, और हमें तो वो ले नहीं था, उनको ले लिया। मैंने नहीं लिया, मेरी तालीम नहीं थी, मैं क्या सारी उम्र नौकरी करता रहूँगा बड़े ऑफिसरों की। स्कूल में आपके जो अध्यापक थे, टीचर थे, उनके नाम याद हैं आपको? याद है, याद है। एक मुंशी मोहम्मद बक हेडमास्टर है, एक मुंशी गुलाम मुस्तफ़ा, 4-6 हमारे देहात में हमारे 6 मास्टर होते थे, क्लास भी 6, लोअर मिडिल स्कूल था 6 तक, 4 मुसलमान होते थे, 2 हिंदू, एक लाला जगदीश चंद्र, एक लाला आडू राम, 2 हिंदू थे, बाकी एक रहमतुल्ला था और एक मोहम्मद बख्श, एक रहमतुल्ला, एक मोहम्मद बख्श, एक गुलाम मुस्तफ़ा, चौथे का नाम जादरी भाई। दोस्तों के नाम पता है? दोस्त बने थे, दोस्त खूब होंगे 20-21 साल में। दोस्ती हमारी स्कूल के अंदर तक रहती थी, स्कूल से बाहर निकले रास्ते में गपशप मारते आए, वो अपने घर बढ़ते घर। उनके नाम याद हैं दोस्तों के? दोस्त सब क्लास फेल हुआ, दोस्त क्या करेंगे। अच्छा, घर कैसा था आपका वहाँ? हमने नया घर बनवाया था बाहर, जिसके कम अज कम करीब लगभग 40 के करीब दरवाजे होंगे, गेट 40 के करीब, इतना बड़ा मकान था हमारा है। तो इधर भी बाहर से देखो ऐसे लगता है कि अंदर भी जानवर बनते होंगे, अंदर लाजवाब मकान था, दोनों तरफ से एक जैसा था, इधर भी जानवर बनते थे, उधर भी जानवर बनते थे, उधर भी सड़क थी, इधर भी सड़क थी, बीच में हमारा मकान था, पत किला है। तो वो सब छोड़ करके आना पड़ा और सब कुछ भरा भराया, पलंग, बिस्तरे, बेड, रजाइयाँ, सिराने, 3 भैंसे, 1 गाय, 2 घोड़े, 2 बैल, बड़े बड़े शहर के अंदर अपना कुआँ था, वैसे हर कुएँ पे 2 बैलों की जोड़ी इकट्ठे जुटती थी, हमारे पास हाथी की तरह बैल थे 2, अकेला अकेला हम जोते थे शहर के अंदर, उसका नाम भी अंदर वाला था, कुएँ के बिल्कुल सेंटर में था वो बैल जोतते थे, वो अपना जब चलता रहता था तो घर वाले पानी भर जाते थे पीने के लिए, नहाते भी थे लोग, कपड़े भी धोते थे, पानी भर जाते, और शहर के बाहर निकलो वो हमारी ज़मीन थी, वो पानी कुएँ का ज़मीन को लगता था। इस पूरे पार्टीशन के दौरान सारा वो अपने दोस्त को दे आए, महरम की बत्ती का हमारे पिताजी का दोस्त था, वो भी स्कूल टीचर था, उसको दे भैंसे कि तू रख, अगर हम आ गए तो ले लेंगे, नहीं तो तेरी बाबूजी। हाँ, पूरे पार्टीशन के दौरान संघ से संपर्क आया कभी, आरएसएस से? हाँ आया, अब मेरे को याद नहीं है। हाँ, अब 80 साल हो, 75 साल हो गए हैं, पता नहीं कैसे हुआ, ये बाहरी शाखा लगती थी हमारे घर के बाहर, आ जाओ तो लेफ्ट साइड को खाली जगह पड़ी है ना, यहीं भी लगा करती थी है। अच्छा, जब आप वहाँ से कोटली से अब आप आए थे, हाँ, उसके पहले सारा परिवार सबसे पहले कहाँ आया था? सारा परिवार शुआबाद भेजा ना, आप वहाँ से हिंदुस्तान चले जाना, वो अब अटारी आए, हमारी गाड़ी आई बंगला फाजल का, बंगला फाजल का जब आए तो वहाँ से हम गाड़ी पे बैठे, गाड़ी से उतरते ही एक लड़का अब सारी गाड़ी के आदमियों को आवाज़ देने लगा, आओ राशन ले लो, राशन ले लो, फ्री राशन दे रहे थे, उनने इंतज़ाम कर रखा था, तो भाई राशन ले लो, राशन ले लिया जाके सबको, उनकी बड़ी मेहरबानी है, तो भाई उनने सोचा भी पता नहीं कब से ये चले हुए हैं। तो फिर वहाँ से हम गाड़ी पे बैठे आ गए हिसार, हिसार स्टेशन से उतर के लेफ्ट साइड को बैठ गए, लेफ्ट साइड को बैठ गए, हमारे कानों में पड़ी बात कि भाई हमारे जो हम आए हैं कोटली नियाबत से, हमारे मौजे वाले
ए, हमें जगह हुई है कलानोर, सब कलानोर इकट्ठे हो रहे हैं, पता नहीं किसने कहा आके। तो अच्छा अभी कलानोर कहाँ है, रोहतक और भवानी के बीच में है। अच्छा अभी हिसार बैठे हैं, हिसार में हम अब गाड़ी से कोई आ नहीं रही थी, हम कंपनी में गए, ट्रांसफ़र कंपनी में, वहाँ से 100 रुपये में एक बस किराए की, 100 रुपये में बस चुनने की रोहतक पहुँचाने के लिए। हम 22 जने इकट्ठे थे जो ट्रक में आए थे, तो हमने 5-5 रुपये इकट्ठे करके 100 रुपये इकट्ठा कर दिया, उनको दे दिया। जब वो रोहतक चुंगी में गुजरने लगी, चुंगी में रोक ली, चुंगी वालों ने हमसे पूछा कितने पैसे दिए, हमने कहा 100 रुपये, तो उन्होंने कंडक्टर को 2-4 थप्पड़ लगाए, पैसे वापस कर लेना, मैं तो 2 रुपये टिकट है, ये 20 आदमी है 40 रुपये वैसे लगते हिसार से ही आके, तुमने 100 रुपये लिए। वो कहने लगा भैया हमें कोई पता नहीं, हमें कंपनी वाले ने भेजा, छोड़ के आओ, हम छोड़ के आ रहे। हमने भी कहा भी ठीक है, हमने कंपनी वाले को पैसे दिए थे, उनसे बात थी, इनको कुछ। वो स्टेशन पे उतार गए, तो सवेरे रात को आ रहे, सवेरे उठ के वो बैलगाड़ियाँ की दो 20-20 रुपये में, उसमें बैठ के अपना हमारे सामान क्या था, एक बोरी में बर्तन थे, तब चकला बेलना, कुछ थालियाँ, कुछ कटोरे, गिलास और 2-2 जोड़े कपड़े, एक टैची में इतना सामान होता जो उठा सकते थे। हाँ बैठे उसमें, आगे कलानोर, कलानोर काफ़ी तकड़ा कस्बा था और सारे मकान खाली पड़े थे, पर समझ नहीं आती जैसे हम भरे हुए छोड़ के आए थे, कोई आदमी जब घर से जाएगा क्या उठा के ले जा सकता है, सब कुछ पड़ा रहेगा, यहाँ भी सब खाली, वहाँ भी सब खाली, यहाँ से जो मुसलमान गए होंगे उनको भी खाली मिले होंगे, वहाँ के मुसलमानों ने सब को ले लिया होगा। अच्छा तो हम अपना सवेरे कलानोर में भर गए, जो जो मकान पसंद आता गया उसमें बढ़ते गए। अब मेरे माँ बाप, उनको मैंने तलाश करना था, क्योंकि मैं तो आया था अकेला, मेरे माँ बाप ऐसे अलग। मैंने सोचा भाई मैं आने लगा तो मेरा साधु कहने लगा कि काका जी मेरे मासड़ जी को साथ ले लो, वो कह रहा है कि मेरा बेटा मोहन और उसकी घरवाली आपके पिताजी के साथ आए थे, वो इकट्ठे होंगे। मैं कहा ठीक है, मैं अकेला जा रहा हूँ, 1-1-2-11 मेरी कंपनी हो गई, 2 जने अब आ गए। वहाँ से हम कलानोर से बैठे आ गए रोहतक। रोहतक मेरे दिल में ख्याल आया भाई सुनते हैं कुरुक्षेत्र पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजियों का बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है, भाई वो कुरुक्षेत्र होंगे, वहाँ जाके तलाश करते हैं कैंप में। अच्छा और थे भी वहीं। अच्छा तो हमने स्टेशन मास्टर से पूछा कि भाई कैसा, हमने जाना है कुरुक्षेत्र कैसे जाए। वो कहने लगा भी यहाँ से चले जाओ जींद, जींद से पानीपत जाएगी गाड़ी, पानीपत से कुरुक्षेत्र, या दिल्ली चले जाओ तो दिल्ली से कुरुक्षेत्र। ठीक है भाई, रास्ता उसने बता दिया। इधर से आया एक इंजन, क्योंकि मैं उस वक्त पुलिस में तो था, समझे नहीं, मेरे पे अभी पुलिस वाले की कुदरती बात है, जब पुलिस की यूनिफॉर्म डालते थे पता नहीं हमें क्या हो जाता था, हम क्या समझते थे अपने आप को, कोई कुदरती बात है, हमें बड़ी ताकत आ जाती है। तो उस वक्त अब पुलिस की वर्दी तो नहीं थी, लेकिन वो बात तो हुई थी, डरता किसी से नहीं था। गया इंजन वाले के पास, मैंने कहा हाँ भाई साहब कहाँ जा रहे हो। वो कह लगा जींद। मैंने कहा देख भाई हम 2 जने हैं, दुखी दुखी जाएंगे, हमें बिठा लो। अच्छा वो इंजन था कोयलों का, कोयलों से गाड़ियाँ चलती थी ना जब, तो वो तो ऐसे बात करने लगा जैसे हम उनके जीजा लगते हूँ। उन्हें अपने आदमी को ओए ये जगह साफ कर, बोरियाँ बिछा दे, कैसा बैठ जाओ, लाला जी बैठ जाओ। हम बैठ गए, 4 रुपये उनको दे दिए। जींद जाके उतरे, जींद जाके उतरे, वहाँ स्टेशन मास्टर से पूछा हमको जाना है पानीपत। वो कह लगा आज गाड़ी गई है, कल आएगी, परसों जाएगी। अरे मैं तो 3 दिन यहाँ बैठे रहेंगे। अच्छा भाई उधर से फिर आई एक माल गाड़ी, दिन छुप गया था। फिर मैं ड्राइवर के पास गया, मैं कह ड्राइवर साहब ये गाड़ी कहाँ जाएगी, कहता है दिल्ली। मैं चुप करके आ गया। मैंने चौधरी विसंदर, मेरे साथ भी बहुत ज़रा बुजुर्ग था, बूढ़ा था, मैंने उठा वो माल गाड़ी उठा के डब्बे में अंदर डाला, मैं भी कूद के अंदर, मैं कह सो जा, सो गए हम, दिन छुप चुका था, सो गए। गाड़ी धक धड़क करती 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 जब एक जगह रुकी, मैंने उठ के देखा वो दिल्ली पहुंची थी, सामने प्लेटफार्म पे दिल्ली।
वो लगा हुआ था माटा, मैंने उसको निकाला, आप भी उतरा। पहले बारी मैंने वो लाइटें देखी वैसे मरकरी कि आप तो उससे पहले कभी नहीं देखी थी, उधर थी भी नहीं। मेरा बूट था काला तो लगता था, फिर कपड़ों का रंग और लगता था। अच्छा खड़े हो गए, फिर कुल्ली से पूछा भाई हमको कुरुक्षेत्र जाना है, कौन से प्लेटफार्म से, क्योंकि दिल्ली में तो फिर 12 प्लेटफार्म थे जी। वो कहता है भाई गाड़ियों का सिलसिला है धर्म भरम, नहीं पता कब जाएगी गाड़ी, कब ना जाएगी, किस वक्त जाएगी, कहाँ से जाएगी, यहाँ से पैदल चले जाओ, ये रेलवे लाइन लेके आगे सब्जी मंडी स्टेशन पर बैठ जाओ, जो स्टेशन जाए जो गाड़ी वहाँ से गुजरेगी वो कुरुक्षेत्र जाएगी। हम पैदल चल पड़े सब्जी मंडी बैठे थे, 10 बजे आई गाड़ी, हम बैठ गए उसमें। वो चलते 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 वो रास्ते में मोहनलाल का बाप हर स्टेशन पे जब रुकती थी वो बड़े ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मारता था, ओ मोहनलाल मुंजाल कोटली वाला। मेरे को शर्म लगती थी कि ये आवाज़ें मारता है, क्योंकि प्लेटफार्म में भीड़ भाड़ बहुत होती थी। पानीपत जब पहुँचे तो पानीपत पिछावड़े में एक और गाड़ी खड़ी थी, उस वक्त शाम के कोई 6 बजने वाले थे, तो हमें भूख लग रही थी। हमने पिछली तरफ स्टेशन की तरफ की बजाय पिछली तरफ खोंचे वाले थे छब्बे वाले, वो बेच रहे थे खाने पीने का सामान, हम कुछ खाने पीने लग गए। गाड़ी चली चल पड़ी, चले गए। गाड़ी भी ऐसे चलती थी, देखो दिन छुपने वाला था, पानीपत से चल रही है, और पहुंची सवेरे 4 बजे कुरुक्षेत्र। खड़ी हो गई तो खड़ी हो गई, चल पड़ी। 4 बजे उतर के सामने, भाई साहब मैंने निगाह जो मारी, जो समंदर की तरह मीलों मील टेंट ही टेंट लगे हुए थे सारे, बड़ी दूर तक, क्योंकि जहाँ तक निगाह गई टेंट थे। अब तो वहाँ मोहनगर कॉलोनी बसी हुई है, तो मैं वहाँ जाने लगा। मोहन मेरे को भी संदा राम कहता है, अरे यार कोई पकड़ तो नहीं लेगा, वो डरने लगा। मैं कह मैं तेरे साथ हूँ, आ चल। कुदरती बात है हम के वह बढ़ने लगे कैंप में, हमें मिल गई हमारे शहर की करम देवी, जो थी बेटी हमारे शहर की, ब्याही हुई थी रवाने। वो मेरे को कहने लगी क्या कर हमला ले, मैं कहा हाँ, अगर तेरे पिताजी कल तक तो बैठे रहे यहाँ, वो नहीं जा रहे थे, उनको पता लगा था कि हमारे कोटली वाले कलन और इकट्ठे हो रहे हैं। कहती है कि माँ हम अगर यहाँ से उठ के कहीं और चले गए तो फिर रामलाल को कैसे मिलेंगे, वो अपने आप जो घूमते घामते यहीं आ जाएगा फिर जाएंगे, लेकिन कल वो उठ के चले गए कलानोर के लिए। मैं बेफिक्र हो गया, मैंने कहा चलो हम भी कलानोर से आए हैं। अच्छा फिर देखो जी, इधर से जो गाड़ी जाती थी वो कुरुक्षेत्र रुकती नहीं थी, इसलिए कि वहाँ आप जगह नहीं थी किसी के और रखने की, टेंटों में कोई जगह नहीं थी, कोई गाड़ी वहाँ आती थी वो भागती हुई निकल जाती थी पैसेंजर। तो एक इंजन आया पानी लेने, पता लगा ये पीछे शाहबाद गाड़ी रोक के आया है, पैसेंजर गाड़ी है, ये पानी लेने आया है। हमने फिर 2 रुपए फिर उसे दिए कि हमें बिठा ले, हम फिर पीछे उतर के अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगे। 2-4 आदमी और भी थे, उन्होंने भी पैसे दिए, हम मतलब 4-5 आदमी हो गए। उनने 2 रुपए सर से लिए, इंजन में बिठा लिया, वो रिवर्स करके वापस ले गया शाहबाद। हम उतर के अपने गाड़ी में बैठ गए, चलते 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 गाड़ी ग्राउंड जाके खड़ी हो गई। वो कहने लगा जी गाड़ी खाली करो, इससे आगे नहीं जाएगी। अच्छा जब इसने कहा था, हमने पूछा था, इसने कहा था कि हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली की बात हुई थी वहाँ, तो हम जिनने 2 रुपए दिए थे हम चारों वहाँ इकट्ठे हो गए। हमने कहा पैसे वापस कर, हैं तो उन्हें कहा दिल्ली जाएंगे तू यहाँ ग्राउंड छोड़ रहा है, हम ग्राउंड तक के लिए थोड़े सर को पैसे दे रहे थे, ऊपर से आ गया स्टेशन मास्टर। उसको पता लगा, वो ड्राइवर के बगलाई पड़ने कहते हैं सर ने पैसे लिए क्यों, हैं अब ले जा गाड़ी यहाँ चुप करके, इनको दिल्ली तक छोड़। वो गाड़ी ले आया, मतलब चलते चलते कोई शाम के 3-4 बज गए, पानीपत पहुँचे। पानीपत उतर के हम खड़े थे, अब मैं सलाह कर रहा था उसके साथ, चौधरी जी कल यहाँ से अब क्या सुना, जींद जाके कल रोहतक जाए या दिल्ली जाके जाए, इतने शुक शुक करती गाड़ी चल पड़ी। मैं तो भाग के चढ़ भी चढ़ था, वो बूढ़ा आदमी वो नहीं चढ़ सकता था,
चली गई तो चली गई, मैं कोई बात नहीं। मैंने उसको कहा, मैं कहा चल अब जाके बाहर कोई होटल देखते हैं, रात को वहाँ सोएंगे, रोटी वोटी खाएंगे, पिक्चर के देखेंगे, देख के आके वहाँ सोएंगे। मैंने उधर निगाह मारी, मेरे पिताजी, बहन भाई और उसका लड़का मोहन सारे खड़े हैं। वो पानीपत खड़े थे, उस दिन गाड़ी गई थी, दूसरे दिन आनी थी, तीसरे दिन जानी थी, इसी चक्कर में वो खड़े थे। वहाँ हमारा मिलाप हो गया पानीपत स्टेशन पे, समझ रहे हो ना? हाँ। फिर गाड़ी आई, गाड़ी आई, हम बैठ गए अपना, फिर हम कलानौर पहुँच गए। कलानौर पहुँच गए, मैं अपने साधु को लेके कलानौर से, मैंने उसको कहा, मैंने कहा चल यार अब ठिकाना तो बन गया। किताबों में कुतुब मीनार पढ़ा करते थे, महरौली में चलते हैं, महरौली कुतुब मीनार देखेंगे, और सुना है कि वहाँ हमारे शहर के चौधरी महरौली बैठे हुए हैं, हमने वहाँ सुना था, उनको भी मिलेंगे। अच्छा, यहाँ कुतुब मीनार के लिए जब आए, महरौली में गए, रास्ते में कंडक्टर से पूछते गए, वो बताता गया, ये भाई दरियागंज है, ये इंडिया गेट है, सामने भाई वो बिल्डिंग कौन सी है, ये वायसराय हाउस है, जिसको राष्ट्रपति हाउस कहते हैं ना, उस वक्त वायसराय हाउस कहते हैं, ये वायसराय हाउस है, ये सब दरियन हस्पताल है, ये यूसुफ सराय है, ये अथीनी का हुआ है, ये कुतुब आ गया। कुतुब के आगे फिर स्टैंड पर उतर के हम शहर में बढ़े। हमारे शहर का आदमी एक साइकिल का काम हमारे चाचे से सीखता था, वो पंचर लगा रहा था साइकिल को, पहली पहली दुकान कोने पे उसने कर रखी थी, वो भी यहाँ आया हुआ था। तो उसने मेरे को कहा, रामलाल तेरी मासी भी यहीं आई। मैंने कहा वाह मौज हो गई, फिर रोटी पानी की तो फिक्र ही नहीं हुई। अच्छा चलो भाई और गए, तो कहाँ है घर? उसने बताया मासी के घर मिले, मसात मिला, मसात ने छुटते ही कह दिया भाई रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें यहाँ। क्यों भाई? कहता चलो पहले राशन कार्ड बनवाओ, राशन मिलेगा तो रोटी बनेगी। गोर्धन दास बनिया की दुकान पर राशन दफ्तर था, टेम्परेरी राशन कार्ड बनवाया मैंने अपना, और साल हुआ जाके राशन लिया, उनको दिया, जब हमारी रोटी मिली तो हम घूमते घामते एक टेलर की दुकान पे आ चढ़े। यहाँ जाट की दुकान थी और कमीज भी ऐसे सिली हुई जाटों की तरह बेकार थी। मेरा साधु मुल्तान से सीख के आया था, वो ज़रा सुथरा कारीगर था, मैं भी जानता था टेलर का काम, लेकिन वो मेरे से सुथरा था। उसने मास्टर को कहा, मास्टर जी ये जो शर्ट बना रखी है आपने, ये कस्टमर ले जाएगा? हाँ। वो कहता है हाँ ले भी जाएगा। मैं कि मेरी होती तो मैं आपके कपड़े के पैसे लेता, आपने तो उजाड़ रखी है। वो कहने लगा, मास्टर आप दर्जे का हम जानते हो? हमने कहा हाँ। कहने लगा एक कमीज बना के दिखाओ। मैंने लाल को कहा, मैंने कहा भाई बस ठीक थी, कट्टी पड़ी थी, उसने दिखाई ठीक है, काज वाज करके दिखाई, काज उसके ऐसे हाथ से करता था वो आज तक हमसे नहीं बनते थे, किसी से नहीं बनते थे जो उससे बनते नमूना। तो कमीज बड़ी फैंसी, उसकी आंखें चुंधे आ गई। कहने लगा क्या यहाँ काम करोगे? हमने कहा हाँ करेंगे। अच्छा क्या हिसाब है भाई? कहता देखो वहाँ कमीज की सिलाई थी चार आने पूरी बाजू की, आधी की 12 आने। अच्छा तो यहाँ पूरी बाजू की कमीज 1 रुपया, टर्न का भी बनती है उसका 1.25 रुपया, आधी बाकी 12 आने, यहाँ रेट 1 रुपया, वहाँ 4 आने, यहाँ मतलब जो कुछ भी था वहाँ 2.5 रुपये मन गेहूँ छोड़ के ऐसे, यहाँ 10 रुपया मन था सार कुछ, वहाँ 2 पैसे शेव के, यहाँ 2 आने, हर चार पूरा 4 गुना रेट यहाँ फालतू था वहाँ की नस्बत। हमने कहा मजे आ गए, वहाँ बेचो सब कुछ हमारा 4 आने मिलते थे, यहाँ कुछ भी नहीं हमारा 12 आने मिलते हैं। हम बैठ गए वहाँ, हफ्ता काम किया वहाँ। हमने कहा अभी हमारी घर वाले हैं तो उधर है, उनको ले आए तो घर मकान, एक करण सिंह बैठा था, कहता यार ये मकान खाली पड़े हो दिखाऊँ, उन्हें ये खा रहे इसके साथ ये खा रखे हुए, उसके सामने एक मकान दिखाया, 3 मकान पड़े थे खाली, एक बीच वाला मकान में पसंद है, ठीक है। हम दूसरे दिन उससे पैसे लेके, हम वो अपनी घर को घर वाली, मैं अपनी घर वाली हमारी साथ, मेरा सारा सुसर था नहीं, साथ भी उनके साथ रहती थी हमारी, हम पांचों आ गए, घर बन गया, यहाँ बैठे रहे दो, वो मेरे माँ बाप वहीं, मैं यहीं, मैं तो 47 में आके बस गया। मेरे को फिर ये मकान इलाट हुआ 49 में,
49 में इलाज हुआ तो मैं माँ बाप को कलानूर से यहाँ ले आया। मैं कहा चलो मकान मिल गया, यहाँ आके बैठ गए। ये भी 1960 में सारी बिल्डिंग खरीद ली कॉरपोरेशन ने। अब ये कॉरपोरेशन की है, हम किराएदार हैं। आपने टैक्सी भी चलाई है? टैक्सी चलाई 6 साल 1960 से 65 तक। फिर उसमें काम बहुत थोड़ा था, 20 रुपये बड़ी मुश्किल से बनते थे, और ऑटो वाले शाम तक 45-48-50 रुपये कमा जाते थे, और हम अंदर से देख देख के जलते थे कि बेचो तो उनका 4,000 का ऑटो और हमारी 10,000 रुपये की बेचो ट्रक थी। हम तो 24 घंटे मरते हैं यहाँ, तो 20 रुपये मुश्किल से बनते बचते। मैंने सोचा अब इसको बेच के मैं ऑटो बनाऊँगा। मैंने भी 65 में टैक्सी बेच दी, एक मिल गया अंधा व्यापारी, मेरे को पूरे पैसे मिल गए। मैंने बिकती नहीं थी टैक्सियाँ, वो बदनाम हो जाती थी, टैक्सी में पड़ी गाड़ी वो बिकती नहीं थी, भैया टैक्सी में चली गई है। तो एक घरदार था वो आया, उसने ले ली, मैंने दे दी, मेरे को पूरे पैसे मिल गए, मैंने ऑटो बना ली। घर की याद आती है बाबू जी? हाँ घर की याद, घर की याद। कई जमाने कहते थे हमें अपने वतन के दिन वो सारे याद आते हैं, मोहल्ले गलियां और कूचे चुबारे याद आते हैं, जहां खेले जहां कूदे जहां बचपन गुजारा था, वहां के दोस्त यार बंधु सारे याद आते हैं। वतन की याद खूब आती है, वहां के हमारे जो तब ध्यान आता है वो अपने खेत और खलिहान सारे याद आते हैं। वतन की खूब याद जब आती है तो आंखें रोई पड़ती हैं, जन्म भूमि के रह रह के नज़ारे याद आते। अब क्या करें, अब जा गए तो नहीं, जाए भी तो क्या फ़ायदा। वहाँ देखो मुल्तान जब हम थे, वहाँ से हमारे शहर का जब 3 महीने मैं पुलिस लाइन में ट्रेनिंग करता था ना, हमारे साथ रवाने का एक कस्बा रवाने था, वहाँ का एक भवानीदास था, उस लड़की की मेरी घरवाली मामे की लड़की थी, हमारी करीबी रिश्तेदार थी, उसका घर वाला था भवानीदास, उसका भाई था करमचंद, करमचंद अभी कुंवारा था, उसकी उम्र 25 साल थी। मैं उनको हर दूसरे तीसरे दिन वो पुलिस लाइन में कोर्ट में थी, कोर्ट में देखता था भवानीदास को, और उसका मुकदमा चलता था एक वाधे जतियाल से, वैध वक्त था, एक वाधा वाधा कहते थे, वो जतियाल था, उसकी ज़मीन साझी थी, ज़मीन का झगड़ा होता था। अच्छा वो उनका झगड़ा चलता था, जब हम मुल्तान आ गए पाकिस्तान बन गया, उस वाजे जतियाल ने अपने 3-4 आदमी लेके मुल्तान से और स्टेशन जहाँ कैंप लगता था गाड़ी में बैठने के लिए, रास्ते में एक नहर आती है वहाँ पुलिया से ही टांगे गाड़ियाँ वहीं से जाते थे, वो पुलिया पार करके इधर झाड़ियों में उसने अपना एक ठिकाना बना रखा था 3-4 आदमी, और एक आदमी मुल्तान भेज रखा था जहाँ भवानीदास रहता था। अब उसको भवानीदास से बदला लेना था, भवानीदास ने उसे बहुत खज्जल किया पाकिस्तान में, हर वक्त कोर्ट में उसको खींच रखता था। अच्छा तो एक मुसलमान था एक हमारे शहर का चौधरी था देर बुद्धवाला राम किशन, उसने गाड़ी दे रखी थी कि भाई तुम हिंदुओं को छोड़ उधर कैंप में, तो मुसलमान ड्राइवर होता था वो भवानीदास और उसका भाई करमचंद, उसकी घरवाली टिको भाई, उनको बिठा के कैंप छोड़ने जब जा रहा था पुलिया पार की, तो वाहिद बख्शी ने उसे रोक दिया वादे जतियाल ने। अच्छा उसमें एक हमारे शहर का लाला हरचंद भी था, वो छोड़ रहा था आदमियों को कैंप में, वो हरचंद लाल ऐसा था कि जैसे भगवान का भेजा हुआ कोई दूत हो, बड़ा नेक धर्मात्मा आदमी, उसको भी वादा जतियाल अच्छी तरह जानता था। वो कहने लगा लाला हर खेल इसको क्या नाम बता गया उसको उसका भाई हर खेल लाल, अच्छा कि भाई लाला जी आप चले जाओ, इनको छोड़ दो, इनको तो हम छोड़ेंगे नहीं हैं। वो कहने लगा जब तक मैं जिंदा हूँ मैं हाथ नहीं लगाने दूँगा। बड़ी देर तक डिस्कस होती रही, ड्राइवर ने हमें बताया जाके कि जब ये नहीं माना लाला हरखन लाल को उन्होंने मार दिया जान से, मार दिया जब तो फिर उन्होंने पहले तो करमचंद को मारा ताकि भवानीदास तड़पे अपने छोटे भाई को मरता देख के,
और हाँ वो था अभी कुंवारा, अभी 25-26 साल की उम्र थी, और फिर भवानी दास को मार दिया। टिको भाई को ले गए और उसकी घरवाली को ले गए। जब हम यहाँ मेहरोलिया के बसे ना, तो टिको भाई का बाप मेरे सुसर का बहनोई था वो। मैंने इसको कहा, मैंने कहा चल कोटली चलते हैं, कोटली के साथ रवाने वादे जत्याल के घर बैठी है तेरी लड़की, ले आते हैं शुजाबाद से पुलिस वाले भेजेंगे साथ, हमारे थाने वाले दो चार पुलिस वाले हमारे साथ भेजेंगे, लड़की निकाल के ले आएंगे। वो कहता नाक कटती है, कहती है यार ले आए क्या कहेंगे, मुसलमानों के साथ रहिए और ये है वो है। वो अपनी इज्जत के मारे कि भाई अब हमारे मतलब की नहीं है वो, तो लड़की चली गई अपनी। हाँ बस वो रही, वो मर मर आ गई हो गया। वो मेरे से तो बड़ी थी। आपने जैसा सुना नहीं गया, वतन की जब याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, अपनी मातृभूमि की जो सुगंध है उसको याद करते ही खेत खलियान सब यहाँ बड़े मजे थे, वहाँ आनंद से भर उठते हैं। बहुत मजे थे, इतनी कहानियां हैं उनके पास, उन्होंने वो सारा दृश्य देखा हुआ है, जीवन कठिन से कठिन संघर्ष भी देखा है, वहाँ पुलिस में रहते हुए किस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था, मोहल्ले छोड़ने को मजबूर किया गया, सब कुछ वो सब देखा हुआ है। हम एक नई कहानी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार। आप या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा परिवार हो जिसने विभाजन की विभीषिका झेली हो, उस दंश को देखा हो, उसकी पीड़ा बर्दाश्त की हो, तो वो भी हमारे साथ अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। हम उसे अपनी इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। इसके लिए आप हमसे vkv.panchajanya@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा ईमेल आईडी है vkv.panchajanya@gmail.com।